देश में कोरोना प्रकोप के चलते पिछले 1.5 साल से बंद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब बुधवार को एक बार फिर से खुलने जा रहा है। इस दौरान जो भी श्रद्धालु करतारपुर साहिब के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो उन्हें अपने साथ RT-PCR टेस्ट भी ले जाना अनिवार्य होगा। RT-PCR टेस्ट देखने के बाद ही भारतीय श्रद्धालु को पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गुरु नानक देव के दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। आज बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं हम जी, उसका खुलने के इंतजार में काफ़ी संगत जो इंतजार कर रही थी। बंद होने के बावजूद भी संगत आती थी लेकिन वो जा नहीं पाती थी उस बार, इसलिए वो वहीं जो बना हुआ स्थल बना हुआ है उसी से दर्शन दूरबीन से करती थी। लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है कि ये अपना हमारी सरकार ने इसको खोल दिया है। और ठीक है, जो कोविड की अपनी है वो भी साथ साथ चले गई, लेकिन मेरे ख्याल से तो पूरा पंजाब का पूरा हिंदुस्तान इससे बहुत ज़्यादा खुश है जी। हाँ जी, ये जो करतारपुर कॉरिडोर है ये तो हम बहुत उम्मीद से बैठे थे मोदी गवर्नमेंट से कि ये जो है ये करतारपुर कॉरिडोर है जल्द से जल्द खोले, क्योंकि बहुत जो संगत है वो यही काफ़ी देर से अरदास पे अरदास कर रही थी कि ये जो कॉरिडोर है खुल जाए और यहाँ पे एक बार फिर हमारे यहाँ पे रौनक है वो लग जाए। वहीं दूसरी तरफ करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलने पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुशी जताते हुए ट्वीट किया। गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 19 नवंबर को पूरा देश गुरु नानक जयंती मनाने को पूरी तरह से तैयार है और उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर के खोलने के फैसले पर पूरा देश जश्न मना रहा है। गौरतलब है कि कोरोना प्रकोप के चलते 16 मार्च साल 2020 से करतारपुर साहिब कॉरिडोर के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे, जिसे अब एक बार फिर से दोबारा खोला जा रहा है। लिहाजा इस बार श्रद्धालु गुरु नानक जयंती पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर के दर्शन कर सकते हैं। वहीं करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलने के बाद एक बार फिर पंजाब की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। हर दल के नेता इसे अपनी कामयाबी बता रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी कहां चूकने वाले थे। उन्होंने भी तपाक से ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रकाश पर्व से पहले करतारपुर कॉरिडोर के खुलने पर 18 नवंबर को पहले जत्थे के तौर पर पंजाब कैबिनेट करतारपुर साहिब के दर्शन करेगी। इसके साथ ही चन्नी ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मांग की थी और अब ऐसे में कॉरिडोर के खुलने के बाद वह गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि गुरु नानक का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और सबका भला होता रहे। बहरहाल बुधवार से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नमन सत्य न्यूज़।